रीवा शहर में धड़ल्ले से गौ तस्करी का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस इस गौ हत्या में रोक नहीं लगा पा रही है। दरअसल रात 10 बजे हिंदू संगठन बजरंग सेना एवं बजरंग दल को एक गौ भक्त ने जानकारी दी कि एक गाड़ी 407 पिकअप MP17L1572 में गाय लोड करके ले जा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिली तुरंत दोनों संगठनों ने एकजुटता दिखाकर सतर्क हो गए। जब दोनों संगठनों ने गाड़ी देखी तो गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चालक ने गाड़ी को नहीं रोका और इतना तेज चलाने लगा कि एक गाय गाड़ी से बाहर लटक गई, जिसके गले में फंदा लगने के कारण गाय की मृत्यु हो गई। फिर दोनों संगठनों ने पीछा किया और अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी को शारकिन बायपास में रोकने में सफल हुए, लेकिन गाड़ी रुकते ही गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घटना की जानकारी चोरहटा पुलिस को दी गई है, लेकिन फोन करने के बाद भी काफी समय के बाद पुलिस गाड़ी के पास पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों संगठनों ने सभी गायों को लक्ष्मण बाग गौशाला में पहुंचाया और गाड़ी को पुलिस के हाथ सौंपा गया। अब देखना यह है कि पुलिस गौ तस्करों पर कार्रवाई करेगी या इसी तरह इनका हौसला बढ़ने देगी। मैं बहुत बहुत बजरंग दल का मैं बहुत बहुत उनको करता हूँ, हमारी बात मैं लोगों से बजरंग सेना से हूँ, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, हम सब हिंदू के लिए काम करते हैं। हमारी बात हरिओम तिवारी जी से हुई, हम सभी लोग एक लोकेशन के तहत हम लोग प्लानिंग के साथ हम सभी लोग आए। ये स्थिति गौ माता का, हमने 5-3 गायों को और 2 गौ वंशों हमने बचा लिया है और एक गौ वंश को हम लोग नहीं बचा पाए, इसलिए आप देख पा रहे हैं लगातार वहाँ से जो हमारे रामचंद्र भैया जो गौ रक्षक है 24 घंटे जो गौ माता के लिए सभी चीजें तत्पर रहते हैं, वहाँ से ये कर रहे थे, वहाँ से आते आते इसकी मौत हो गई। वहाँ से सभी लोग इसके पीछे कौन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं 2 शब्द बोलूंगा कि हमारे आदरणीय